दोनों एनजीओ ने बाजार से घटिया सामान आपूर्ति कर दिया। अब आप देख सकते हैं ये स्वेटर कैसे फटा हुआ है, इसका धागा बिल्कुल ये कॉटन का धागा है, इसमें एक अंश भी वूल का नहीं है। जो है ये ब्रांडेड जो है स्वेटर जी, नहीं ये उस्वाल कंपनी का नहीं, उस्वाल कंपनी का इतना सस्ता नहीं मिलता है। आप देख रहे हैं इंडस्ट न्यूज 24/7 बारे में, मैं हूँ डॉक्टर सोमनाथ आर्य। अभी मैं झारखंड विधानसभा के मुख्य द्वार पर हूँ और आप देख रहे होंगे पीछे पोस्टर लगी है पोशाक घोटाला की, शिक्षा विभाग हजारीबाग शर्म करो। और इस पोस्टर के साथ मुख्य द्वार की सीढ़ी पर बैठे हुए हैं हजारीबाग के विधायक मनीष जायसवाल जी, उनसे हम सवाल करते हैं और जानते हैं कि क्या है ये। सर क्या है ये पूरा मामला, ये आप जिस पोस्टर और बैनर के साथ खड़े होकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, ये पूरे मसले पर थोड़ी सर जानकारी दे। देखिए है क्या कि पोशाक देने में शिक्षा विभाग ने दो गाइडलाइन दिया था, एक कि डीबीटी के माध्यम से आप पैसा ट्रांसफर करें, दूसरा अगर वो नहीं करते हैं तो कोई बुनकर समिति जो लोकल स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देगी उसके माध्यम से निर्माण करा करके दे को दे दिया दो एनजीओ को। दोनों एनजीओ ने बाजार से घटिया सामान आपूर्ति कर दिया। अब आप देख सकते हैं ये स्वेटर कैसे फटा हुआ है, इसका धागा जो है इसका धागा बिल्कुल ये कॉटन का धागा है, इसमें एक अंश भी वूल का नहीं है, एक भी धुलाई नहीं हुआ है। देखिए इसकी क्या स्थिति बन गई है, ये देख सकते हैं आप। अभी फटना भी कंपनी का जो है ये ब्रांडेड जो है स्वेटर दिया है। जी नहीं ये उस्वाल कंपनी का नहीं, उस्वाल कंपनी का इतना सस्ता नहीं मिलता है, ये लिखा हुआ है उस्वाल कलेक्शन कंपनी नहीं है। उस्वाल जो है वो अगर उसका बिल दिखा दे उस्वाल कंपनी का हम लोग वेरीफाई करवा लेंगे। ब्यूरोक्रेसी के लोगों का कहना है, आप कपड़ा देख सकते हैं कि एक बार में कपड़े में ये हो गया। अगर आपने पहले सबसे पहला मेरा सवाल है कि आपने जो विभागीय गाइडलाइन था आपने उसको क्यों उसका ये किया पहला, दूसरा कि ये घटिया कपड़ा मिला किसी भी कंपनी का उससे मुझे मतलब नहीं, घटिया है तो सरकार को इस पदाधिकारी से वसूली करनी चाहिए और उसको जी। तो ये थे हमारे साथ विधायक।